ये क्या निकाला, डेंचर, डेंचर है ये, डेंचर है कुछ तो निकाला इन्होंने। हम तो प्रॉपर जलंधर के हैं, पंजाब के, तो हमारी तो पंजाबी आती है। चलो जलंधर वालों, जलंधर से कोई देख रहा है अगर, तो आपका ना जलंधर का नाम ले लिया, छोड़ नीचे नहीं रखना जलंधर का नाम, और सब्सक्राइब करके जाना है चैनल को पंजाब के। आप लोग मानोगे नहीं बट हम बहुत जल्दी फट जाएंगे, पता है बहुत जल्दी फट जाएंगे, बट हम जिम ज्वाइन करने वाले हैं तो शायद बच भी सकते हैं। अभी मैंने गुड नाइट करा था आपको इस लड़की के साथ, और नया व्लॉग उसके 10 मिनट बाद ही शुरू हो गया। पता है क्यों? मैडम का मन हो गया मग केक खाने का। मग केक है, MUG मग, मग केक। ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि वो 10 मिनट में बनता है, तो हम ट्राई करने वाले हैं, और बहुत ना एक डिफरेंट तरीके से आज हम उसमें कुछ चेंजेस करने वाले हैं जो आपको बताएंगे हम। हेल्दी नहीं बोलूंगा क्योंकि मीठा तो बनता ही है, बट देन मैदा यूज नहीं हो रहा। आपको पता है क्या यूज कर रहे हैं? ओट्स। ये देख लो, सच्ची में मजाक नहीं कर रहा हूँ, हम मैदा यूज नहीं करेंगे ना, मैदे की जगह हम यूज करेंगे ओट्स, और चीनी की जगह जैगरी। चीनी तो डालने दे यार, जैगरी यार फिर मैं नहीं खाऊंगा। क्यों? मैं जैगरी का, अरे तुम्हें टेस्ट सेम आएगा। नहीं, जैगरी क्या होता है? गुड़। हाँ तो गुड़ नहीं बोल सकती, जैगरी। जैगरी, जैगरी नहीं डलेगा, मतलब जैगरी डलेगा, टेस्ट सेम आएगा, मैं कह रही हूँ जैगरी। अरे गुड़ गुड़ में नहीं, चीनी डालूंगा मैं, नहीं गुड़। अच्छा देखते हैं, तो प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, देखते हैं क्या सीन है। ग्राइंड कर रही हूँ, ओट्स ग्राइंड। मग तैयार है अपना, एकदम बढ़िया सा बड़ा सा मग हो गए ने ग्राइंड। हाँ। ओट्स है भाई, ओट्स, नो मैदा। ज्यादा सारा बनाएंगे ना तो सारे ही डाल देती हूँ। हाँ बना ले यार, जो होगा देखा जाएगा। खा तो तुम लोगे, मुझे पता ही है, खा तो लेंगे यार, ऐसी दिक्कत ही नहीं। कितना होगा ये ओट्स? ऐसे नहीं मुझे पता, मैंने तो अंदाजे से, अंदाजे से बना लेना भाई, हम कोई प्रॉपर शेफ की तरह नहीं बना रहे। उसके बाद कोको, कोको नहीं है वो, ये रहा ना। अबे तो ये रहा तो ठीक है, कैडबरी की जो चॉकलेट आती है पाउडर वाला, वो डाला है इसमें, कह रही है कोको, ये रहा ना। अब जा रहा है कोको। हाँ ये हम थोड़ा सा डालेंगे, वरना इससे ना थोड़ा कड़वा कड़वा सा टेस्ट आ जाता है। बस कोको पाउडर, चीजें सब रखी हुई है, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, ये ज्यादा मत डाल देना भाई, थोड़ा सा डलता है ये। हाथ पे क्यों लगाया, तेरा हाथ बेक हो जाएगा। और फाइनली हम गुड़ डाल रहे हैं, चीनी भी नहीं डालने दे रही है लड़की। वो मेरे पास ये पाव, वो उसका, ये वही वाला गुड़ है जो हमने खरीदा था रास्ते से, वही वाला है। तो बताओ भाई, प्रमोशन कर दो फिर, हमारा व्लॉग देखो। कहाँ से हम आ रहे थे? ऋषिकेश से आते हैं, पूरा वुड, ये वुड कह रहा हूँ, वुड नहीं, गुड़ की फैक्ट्री, गुड़ की फैक्ट्री में रुके थे, वहां से ताजा गुड़ खरीदा था, तो उसमें बनते प्रोसेस है पूरा, वो जाके जरूर देख सकते हो भाई, अगर किसी ने नहीं देखा। जो जो स्टेप्स दिखा रहे हैं नोट कर लो, बहुत ज्यादा पहुंची हुई रेसिपी है ये, हर किसी को पता नहीं होती, और बहुत जो पहुंचे हुए शेफ्स होते हैं ना यार, कुछ सिर्फ वही बना पाते हैं, सबके हाथों में कला नहीं है कि मग केक बना पाए, मग केक ऐसे शेफ्स बना पाते हैं सिर्फ ये वाले। अब 10 मिनट में जो चीज बन जाए ना वो आती है इसको, अच्छी बात है ना। क्या डाल रहा है? दुदू। यस। दिलजीत का वाला डायलॉग क्या है? कौन सा? जट पैदा होया बस खान वास्ते। इतना गंद कैसे कर सकती है? अरे दुदू वाला था उसका डायलॉग है, तो क्या करेगा बॉर्नविटा का दुदू? ये मैंने तो सुना ही नहीं है, जिसको पता लिख के बताओ, मुझे याद नहीं आ रहा पहली कोई लाइन है दुदू से जो राइम होती है, उसको बताता है कि क्या करेगा बॉर्नविटा का दुदू। जब किस्मत होवे फुद्दू तो क्या करेगा बॉन बिटा दा दुदू। खुशबू आ रही है? तो आएगी, सुनूंगा तो। अरे अभी ये कम दिख रहा है लेकिन फूल जाता है बहुत तगड़ा। थोड़ा सा वनीला एसेंस। अरे शेफ बन रही तो वनीला एसेंस है, बेकर हो गई। बेकरी कहते हैं ना जो बेक करते हैं। बस वनीला आइसक्रीम पीछे से बनती है, बहुत तेरे को आता नहीं होगा है ना, वो भी सीखूंगी किसी दिन, बनाऊंगी। मुझे नहीं बनानी है, बाहर से ले आऊंगा 10 रुपए की, हम सबकी फेवरेट रेजिन्स। अबे रेजिन क्या होता है बे? किशमिश होती है, जैगरी, रेजिन्स, और थोड़ा सा मैं बटर डाल चुकी हूँ, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, लिटिल।
इसी बात पे दो लोग अनसब्सक्राइब कर चुके हैं अब तक। हाँ नहीं नहीं बढ़ गए होंगे सब्सक्राइबर। तो जो रीजन बोलता है ना और जैगरी बोलता है, क्या ही लोग उनके बात करेंगे ना फिर। साथ साथ समेटना भी जरूरी है। समेटो। क्या छुपा रहे हो? मेरा इनोवेशन डार्क फैंटेसी। अब देखो इसका मैजिक, इसमें जाएंगे तोड़ तोड़ के डार्क फैंटेसी। नहीं ऐसे रख दो, मैं बता रही हूँ। तू हेड शेफ को मत सिखा। ओ प्लीज, आज मैं हेड शेफ हूँ, तुम सू शेफ हो। ये खा भी गए हैं। ऐसा है, अब मैजिक दिखाऊंगा मैं इसका तेरे को। अच्छा एक ऐसे रख दो मेरे कहने से। अरे यार वो टूटेगा नहीं तो पिघलेगा नहीं। पिघल जाएगा मैं कह रही हूँ। तो तोड़ने में क्या जाना जब पिघलना ही है, तो मुझे ये बता। जब उसने पिघलना ही है तो अगर मैं तोड़ के पिघाल दूं तो मतलब इससे मतलब क्या है कि पूरा रख दूं। सिम सिम बाहुबली बोलो तब खुलेगा। महेंद्र बाहुबली नहीं हो रहा, बाहुबली भी नहीं कर पाया, लव बली नहीं करा। रेडी है उन्हें? ऑलमोस्ट। ये ना हमने थोड़ा ज्यादा बना दिया और ये ऊपर से बाहर आने लग जाएगा। नहीं आएगा। चलो लेट्स सी। एग होता तो बहुत ज्यादा बना सकता था। एग तो हम डालते ही नहीं, तो ये एगलेस भी है। और देखते कितनी देर रखेंगे वैसे? पहले मैं 3 मिनट के टाइमर लगाऊंगी, उसके बाद एक बार चेक कर लेंगे। और कितनी हीट पे मैडम? ये तो मुझे भी नहीं पता। बस ऑन करा माइक्रोवेव को। चलो 3 मिनट बाद देखते हैं, अगर नहीं होगा तो फिर करेंगे, बट हो जाना चाहिए। और ये कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनसे वेट ही नहीं होता, सामने खड़े हैं। नहीं मैं खुशबू सूंघ रही हूँ, खुशबू आ रही है। जब बने और सबसे पहले हाथ ये बच्चे मारे, ये वो वाले बच्चे होते हैं जो बोलो ना, जब बर्थडे पार्टीज होती थी तो केक के ऊपर से जो सबसे पहले चॉकलेट खा लेते थे। अबे पागल, जो बैलून फटने के पहले उसके वहाँ खड़े रहते थे कि टॉफियाँ सबसे पहले मेरे हाथ में गिरे। खुशबू आ रही बड़ी अच्छी। अब आ रही है, एक्चुअली आ रही है अच्छी खुशबू। खुशबू तो आ रही है तगड़ी। सिर्फ 30 सेकंड्स रह गए, उसके बाद एक बार इसको चेक करेंगे। मुझे लग रहा है कि शायद 1-1.5 मिनट और रखना पड़ जाए। देखते 1-1.5 मिनट तो नहीं, थोड़ा ज्यादा है तो शायद रखना पड़े, बट 3 मिनट में हो जाता है वैसे। 3-4 मिनट दैट डिपेंड्स कि हमने किस टेंपरेचर पर रखा, तो मुझे तो पता ही नहीं किस टेंपरेचर पर रखा है, तो देखते हैं। कैसी बातें करती है ना, कभी कभी लगता है कि छींची सी हो जाती है। गंदा बोलने वाले थे ना। छींची बोला, छींची गंदा थोड़ी होता है। नहीं बना अभी। अच्छा अभी नहीं हुआ, वो बाहर आएगा पूरा। नहीं क्यों बाहर आएगा, इतनी क्वांटिटी थोड़ी, बट अभी थोड़ा गीला सा है। अभी रख उसे वापस, अभी नहीं बना। तो 1 मिनट और चला, दिखता है यार बनते हुए। आई थिंक 1.5 मिनट कर देते हैं। 1 मिनट बाद क्या हाल है देखते हैं। नहीं आ रहा है ये, ऑलमोस्ट रेडी है। मार के देखो। नहीं ऑलमोस्ट, थोड़ा सा करते हो 30 सेकंड। देखो इसने ग्लास छोड़ना शुरू कर दिया साइड साइड से। अबे घी थोड़ी है वो। बाबा बन गया ना इसका मतलब। तो रखना और नहीं रखना? 30 सेकंड रख देती हूँ। ये जलाई गया। कुछ मोटे लोग पागल होते हुए चक्कर आ गए। बैलून लग रही थी इधर उधर होती हुई। हॉट एयर बलून बन गया। मोटे एयर बलून, मोटा एयर बलून बन गया। बन गया केक हमारा, बन गया, बन गया। मैं देखने दे। We present to you mug cake. Clean है, इसका मतलब ready. पूरा clean था? हाँ, ये देखो पूरा तो। तू खा के देख पहले। Oops, गिर गया। वाह भाई। अभी स्लैब साफ किए मैंने। देखो बहुत गर्म है, 1 मिनट तो दो। तो मैंने कुछ कहा नहीं तेरे को, ठूस मैंने कब कहा? टेक योर टाइम। मुड़ू गोलगप्पे खा रहा है। अच्छा मैं अंदर चल के खाऊंगा चल। ये क्या निकाला? डेंचर, डेंचर है ये, डेंचर है। कुछ तो निकाला है इन्होंने। प्रोटेक्टर है बेटा। टूथ प्रोटेक्टर, ये सब क्या है भाई? ये अच्छा है ना डॉक्टर? और एक एक ही होता है सिर्फ। हाँ टूथ प्रोटेक्टर लगा लो ताकि आप रात को दांत अगर भींच के सो। तो मम्मा को स्पेशली उठा के ले आइए कि टेस्ट तो करो ही करो। नीचे है क्या? ठीक है केक खाया जाएगा। गर्म है तब मतलब अब फूक तो मैंने मार दी। ठीक
ठीक है ये ओट्स का बना हुआ है ऐसा लग रहा है ओट्स का ही है सही लगा कि नहीं लगा निगलने लायक है सही है फीका 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 मतलब बहुत मीठा नहीं है ओए क्या कर दिया छोड़ भी सही इतना तपता हुआ मेरे हाथ में दे दिया दे भी रही है मुझे वो गर्म लग गया कैसे दे सकता है कोई जब ऐसे दे रहा है मुझे आगे से उसी में बनना है बहुत तेज गर्म लग गया इतना भी नहीं था लाभ अच्छा नहीं चीनी बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है चीनी है ना इसमें तुम वो डालते हैं वॉलनट रेजिंस डाली है किशमिश नॉट रेजिंस पता क्या नहीं वॉलनट भी डालते टेस्ट अच्छा है हाँ टेस्ट अच्छा है थोड़ा ड्राई है क्योंकि हमने ओट्स ने बनाया जो लोग अगर मैदे में बनाएंगे ना तो ये अच्छा बनेगा और अगर आप बटर या ऑयल भी थोड़ा ज्यादा डाल दो मैंने थोड़ा सा डाला है टेस्टी है वैसे मेरे ख्याल वॉलनट भी डालो बहुत अच्छा बनेगा वॉलनट डालने वाले फिर डालना नहीं डालने वाले मगर डालना ही नहीं मैं भी खा लूं उसी भी तो दे पहले पता क्या अब तुम एक एक बाइट में सारा बताओगे खत्म कर दोगे जैगरी जो तूने बोला था ना गुड़ का टेस्ट ज्यादा है अच्छा जैगरी डाली है चीनी की जगह गुड़ डाला हुआ जैगरी तो अच्छी चीज है जैगरी वही गुड़ तो ना उसका टेस्ट आ रहा है पर अच्छा है ना जिसको जैगरी पसंद है उसको ज्यादा अच्छा लगेगा मैं तो अच्छा। मैं तो वैसे भी पहाड़ी चाय पीती हूं यू नो जैगरी वाली मैं एक दो बाइट खा रहा हूं बताता हूं थोड़ी देर तक आपने कल रात को देख लिया था कि मग केक बन रहा था तो व्लॉग तो वहीं से शुरू हो चुका था बट आज का दिन भी तो दिखाना इम्पोर्टेंट है ना तो चलो देखते हैं बाकी लोग सब क्या कर रहे हैं क्योंकि सबसे पहले तो मुझे यही दिख रही है जिसने व्हाइट लाइट करा ली है अपने रूम में ट्रांजिशन देख रहे हो कैमरे को भी 2 मिनट लगे पकड़ने में येलो लाइट से व्हाइट लाइट क्या हो गया क्या कर रहे हो मैं व्लॉग देख रही हूँ तुम्हारा वॉक भी कर रही हूँ ब्लॉग भी देख रही हूँ दोनों चीजें साथ डायलॉग सुन लो इनका चलते हैं ब्लॉग देख रहे हैं डायलॉग अगर होता तो ये डायलॉग दे दिया भैया मम्मा ने आज का डायलॉग दे दिया क्या दिया अभी टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन ये हो गया गंद फैला दिया बट व्हेन लाइफ गिव्स यू मम्मा बी लाइक दिस मम्मा जो अपने व्लॉग्स देखती है अपने ही व्यूज बढ़ा रही है अपना ही वॉच टाइम बढ़ रहा है भाई देख लो घर की खेती है ये बेटा वॉक की वॉक है और व्लॉग भी देख रही हूँ वॉक एंड व्लॉग हां तो क्या अच्छी बात है वॉक एंड व्लॉग हो रहा है यहाँ पर भैया फिटनेस भी हो रही है साथ में व्लॉग भी देखे जा रहे हैं हमारे व्यूज भी बढ़ रहे हैं और क्या चाहिए और चाहिए कुछ और मैं आपको बताऊं भाई 1:15 हो गया मैंने अभी तक कुछ खाया नहीं है आज जस्ट फॉर द सिंपल फैक्ट के काम बहुत ज्यादा तो ऑफिस का लगे हुए थे अब खाएंगे आपको दिखाता हूं क्या बन रहा है यशी के पास लेके चलता हूं बहुत मजा आने वाला है इसके लिए भी कुछ आया है इमोशनल क्यों हो रहे हो देखकर अरे चश्मा उतार दिया आपने तो अरे मैंने कहा पता नहीं कैसे खोलूंगा इसको हाथों से खोल लो क्या है बता दो सबको सब इतनी देर से वेट कर रहे हैं देखने के लिए राखी आई है भाई राखी आई है भाई देख लो आजकल का टाइम क्या हो गया क्या हो गया आजकल का टाइम नहीं राखियां कोरियर होकर आती हैं आजकल राखी भी आ रही है इससे मुझे राखी से याद आया ये भी तो है हमारे घर में एक बाहर मौसम देखो कितना अच्छा हो रहा है बारिश आने वाली है अबे तुमने समझी नहीं बात राखी मतलब राखी सावन से तू याद आई थी मुझे लव प्लीज अब फीकी छोड़ दूंगी तुम्हें मैं तो चीनी में ऊपर से डाल सकता हूँ भाई ये ऐसी चीनी नहीं देगी मुझे कल की तरह करेगी मेरे साथ जो कल तूने क्या डाला था उसमें जैगरी डाल लेगी मेरी चाय में राखी सावंत बोलना अप्रिसिएशन ही होता है यार मैंने तो कुछ कहा ही नहीं उल्टा वो तो इतनी बड़ी एंटरटेनर है लोग हंसते ही हैं देख फिर ये राखी सावंत नहीं क्योंकि एंटरटेनर तो है नहीं चाय तो आपने देख ली दूसरी चीज क्या बन रही है चावल की भी होती है ओट्स की भी होती है लेकिन मैंने पूछा था जवाब ये है कि रवा की होती है
ज्यादा ना कुछ। और आपको ना चटनी दिखाएंगे हम लोग जो हम घर में बनाते हैं ना इसके साथ, वो वैसे सना की इनोवेशन है। सना आपको मैंने आज तक मिलवाया नहीं है, मेरी बहन बहन व्लॉग्स देखती है वो भी, तो देख ले तेरी तारीफ कर रहा हूँ मैं कि चटनी तूने सिखाई है मार्गो वाली बनानी। कुछ दिन में आपको उसमें मिलवाना है क्योंकि राखी पे वो आने वाली है, नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होने वाला है हमारी मूवीज में। हाँ, है ना सना दिख रहे, फिर आएगा और ज्यादा मजा क्योंकि जब हम दोनों मिल जाते हैं ना भाई फिर तो जो आतंक फैलता है मतलब खचखच एकदम मच जाती है ना। फिर तो जो ऐसी ऐसी चीजें हो जाती हैं जो व्लॉग में शायद डाल भी नहीं पाएंगे। नहीं तो चलो यार मैं फाइनली खाना खा लूं, उसके बाद मिलता हूं आप लोगों से दोबारा लंच के टाइम पे ब्रेकफास्ट। यही सीन है, क्या करें बताओ, तुम देते ही नहीं मुझे लोग खाना। रोज सुबह उठते सबसे पहले पूछती हूँ कि क्या खाना है, ब्रेकफास्ट कर लो। नहीं मैं बाद में करूंगा, नहीं मैं बाद में करूंगा। मतलब दो बार बोलने से क्या ज्यादा वेट आ गया क्या इस बात में? हद है। नहीं वेट तुम में बाद में करूंगा, बाद में आ गया। तू तो बड़ी पतली हो गई है ना, तुमसे तो कम ही हूँ। मोटापे की बात है तो तुम्हें ज्यादा है, मेरे में नहीं रहता। जा रहे है ना जिम, जिम भी ज्वाइन करने वाले हैं भाई, वहां के मैं तो उसे थोड़ा जिम से ही ब्लॉक कर दूंगा इस बार। बड़ी सारी बहनें हो गई आपकी, इतनी सारी राखियां। सुप्रभात जो करा है आपने, सुप्रभात के बाद आप पंजाबी में बताओ क्या बोला पापा ने आपको सिखाया था? लव मस्त हो गया बारिश का, हंसते रहो बसते रहो, बस रट लिया डायलॉग। बस नहीं अच्छी बात है जो आपने मम्मा हमारा डायलॉग बोला था ना जो एंड में बोलते हैं उसको अपने पंजाबी में बोला था यशवी ने, याद है बोला था कि मैं रटूंगी। कौन सा? आप है तो हमें वाला अपने पंजाबी में कन्वर्ट करा था। हाँ, क्यों नहीं? उसने कल भी नहीं बोल पाई उसको, उसने अभी तक रटा नहीं है। आज आज उसे मैं रटवा दूंगी। आज रटवाओ उसको, आज का वही बोलेगी एंड में ये। और क्या, सही बात है। अवार्ड्स देख रहे हो दोनों मम्मी के? अच्छी तरह दिखाना, अच्छी तरह करके दिखा मेरे। अच्छा क्लोज अप में दिखाऊंगी यार, ये पहला है 25 इयर्स। वे गोली वोली चला देती मम्मी, डिफेंस में थी, डिफेंस में ऑफिसर। मेरे को जिंदगी में आज तक कभी ऐसे ट्रॉफी नहीं मिली, अब मुझे लगता है मुझे यूट्यूब का प्ले बटन ही मिलेगा किस दिन। वो तो बहुत मेजर अचीवमेंट होगी, बहुत बढ़िया। माइल चेजेस का देख रहे हो कहाँ लगा रखा है हमने, ये पापा की कारिस्तानी है। देखो पास क्या है। अबे हाँ ये है चटनी, सना की रेसिपी। मैंने कहा सना की बनी हुई चटनी, सना की चटनी देख लो, सना की चटनी बनी हुई है हमारे पास। सना की चटनी नहीं, सना की रेसिपी वाली चटनी। नाची क्यों है? और मौसम तगड़ा होने लग रहा है, मैं आपको ना थोड़ी देर में दिखाता हूँ, लग रहा है बारिश का होने वाला है, मैं एक बार दिखाई दूं यार, मजा आ रहा है। तो भाई मौज होने वाली है, मौजा ही मौजा होने वाली ने, बारिश आने वाली है तगड़ी, पता तो चल रहा है, बस उड़ ना जाए बादल। आएगी आएगी बिल्कुल आएगी। और मैं बस आगे से आया ही था ब्रेकफास्ट के लिए कि पीछे देखा बारिश शुरू हो गई है, मोटी मोटी यशवी जैसी ही है। ब्रेकफास्ट कर लो फिर, क्योंकि ठंडा हो गया, दूसरी बार बोल रही हूँ। तेरे जैसी बारिश हो रही है मोटी मोटी, अच्छी है ना देखो कितनी तभी। सुन क्या मतलब, ये शुरू ही हुई है और वैसे ही इतना सुंदर हो गया ना। रवा इडली तो सब बना लेते हैं भाई, बट ये चटनी कोई नहीं बना सकता ऐसी। ले ले फोकस, ले ले फोकस, ले ले यार, ये आजकल फोकस ठीक नहीं ले रहा वैसे, पता मैं कई बार नोटिस कर रहा हूँ इस कैमरे का। अब गाइस पता नहीं आपको दिख रहा है कैमरे में कि नहीं, बट बाहर एकदम पिंक हो रहा है, इट्स नॉट ऑरेंज इट्स पिंक, एंड आई थिंक आ ही रहा है वैसे। 12 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट, अगर दिख रहा तो देख लो, नहीं दिख रहा तो मेरी बात पर विश्वास रखो। 12 बजने वाले हैं, व्लॉग एंड करना था मगर इनके फ़ोन ही ख़त्म नहीं हो रहे, फ़ोन पे फ़ोन, बातों पे बातें, और हम दोनों भी ख़त्म वैसे कर सकते थे लेकिन मज़ा आता है इनके साथ ख़त्म करना है। ये छाए हुए हैं भाई, इन्होंने आजकल जो एलिमेंट दे रखा है ना, अलग ही लेवल का मजा। वन लाइनर्स मिलते हैं इतने बढ़िया, मजा आ जाता है। सही बात है, मतलब मैं अगर जर्नलिस्ट बन के जो बोलता हूँ ना मैं शक नहीं पर गया। मजाक कर रहा था, इतनी तारीफ मैं करता नहीं किसी की। पंजाबी में कुछ नहीं आता, अब रोज इसका टेस्ट लेना, कोई लाइन बोलो जो पंजाबी में बोले, बोल लेगी ऐसा तो बोलो जल्दी, कॉन्फिडेंटली नहीं, और तू जल्दी बोलेगी, रोज बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करती है लोगों का, बोलो कुछ भी कुछ भी। ये बोल दे कि
आप बताओ हमारा चैनल पसंद आया। मैं छोटे से लाइन छोटी सी क्या बुलाऊं? आप कुछ चैनल से लेने नॉर्मल कुछ भी। मेरी मम्मी सब तो चंगी। क्या बात है ये तो कोई बात ही नहीं है ना। तुमने बोला कुछ भी बोलना है। बोलो उसने बोल दिया। चार वर्ड वाली भी लाइन होती है। अच्छे से बोल। सब तो चंगी। और की कुछ एक्सेंट मम्मी ने बोल दिया लाइन मैंने बोली है। हाँ। पंजाबी एक्सेंट में बोलना है कि जैसे लोग बस गिद्दा ही पा दें। मम्मी बड़ा सोना गिद्दा पौंदी है। पौंदी है? पौंदे ने। पौंदे ने। पौंदी है? अब मम्मी गिद्दा करके दिखाएंगे एक दिन। ओह और जो कि मुझे आता है। मम्मा को आता है वैसे बहुत अच्छा। आप एक बार कभी डिमांड करोगे ना तो मम्मा को हम गिद्दा भी पवा देंगे। अच्छा वैसे लोगों ने डिमांड की थी तुमसे पंजाबी वो भांगड़ा कराने की, वो तो अभी तक तुमने किया नहीं। पंजाबी भांगड़ा क्या होता है? भांगड़ा पंजाबी मतलब होता है। पंजाबी डांस। पंजाबी डांस। पंजाबी डांस। पंजाबी डांस लाइक भांगड़ा लाइक डांडिया का बोलो गुजराती डांस। तुम भांगड़ा करोगे और मम्मी गिद्दा और मैं रिकॉर्ड। अच्छा चलो अभी बहुत लंबा होता जा रहा है आजकल हमारा एंड सबसे ज्यादा आगे चला जाता है। So, फटाफट खत्म करने थे। अब आज फाइनली यशवी दो दिन से तू नहीं बोल पा रही सोने इधर आ निकल बाहर निकल। अब बता जो मम्मा ने तेरे को उस दिन पंजाबी में मारा इनका डायलॉग सुनाया था वो तो बोल दे। मैंने वैसे अभी इतना ध्यान दिया इसने कहा था रट कर आएगी। मैं बोलती हूँ तुसी आगे हो ते अप्पा है तुसी नहीं ते अप्पा कख भी नहीं। कख भी नहीं और ये भी अप्पा है कि अस्सी अस्सी है कि नहीं और ये बोलो हंसते रहो वसते रहो। जैसे अवार्ड फंक्शन में कुछ बोल रही हो ये मुझे याद है। आगे से मैं ये जरूर बोलूंगी हंसते रहो ते वसते रहो। और क्या कितनी अच्छी बात है बहुत अच्छी बाय गुड नाइट। तो हंसते रहो ते वसते रहो ते कल आपा उड़ाएंगे ड्रोन। आपा उड़ाएंगे नहीं आपा उड़ावांगे। आपा उड़ावांगे ड्रोन। मैं तो कहना ही है मेनू माड़ी मोटी जी आनी है मतलब इसकी इतनी गंदी नहीं इसकी इतनी गंदी नहीं है मेरी पंजाबी। मैं लर्न कर रही हूं सीख रही हूं मेरे को नेचुरली आती है मेरे को आंदी है दोनों आंदी है मतलब जैसे मम्मा तो ठेठ पंजाब वाली बोलती है हम दिल्ली वाली पंजाबी बोलते हैं। हम तो ऐसे ना जलंधर के हैं हमारी पंजाबी निकलती है जब दोस्तों के साथ होते हैं जो पंजाब वाली दोस्त होते हैं उनके साथ ही निकलती है हमारी। हम तो प्रॉपर जलंधर के हैं पंजाब के तो हमारी तो पंजाबी चलो जलंधर वालों जलंधर से कोई देख रहा है अगर तो आपका ना जलंधर का नाम ले लिया छोड़ नीचे नहीं रखना जलंधर का नाम और सब्सक्राइब करके जाना है चैनल को पंजाब के। तो लाइक करो जरूर वीडियो को और कल मिलते हैं और कल कोशिश करेंगे ड्रोन कल उड़ाएंगे ही वैसे ठीक है फिर आपको कल दिखाएंगे गुड़गांव के बढ़िया से शॉट्स। अभी खत्म कर रहे हैं गुड नाइट टेक केयर और जो करना करो।